हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनी एलईडी टीवी सर्विस सेंटर में स्वागत है। मैं आज मेरा चैनल पर एक आज होम थिएटर है जो कि एफएनडी कंपनी का है, जो 2.1 है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, इसमें लाइन नहीं आ रहा, लाइन का प्रॉब्लम है। आपका इस मॉडल दिखा रहा हूँ, ये पीसीबी इसका है, मैंने खोल दिया। इसका पावर का प्रॉब्लम है, नो पावर। इसका बहुत सा स्पेयर पार्ट जल गया हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप। रेजिस्टेंस है, ड्राइवर आईसी है, डायोड है, मॉस्फेट है, ये सारा शॉर्ट हो गया है। तो मैं इसी का रिपेयरिंग करके आपको मैं बताऊंगा एकदम इजीली। और पार्ट ना मिले तो कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं। तो मैंने पूरा पार्ट निकाल दिया और देखिए, मैंने पार्ट निकाल दिया, ये सारा पार्ट ख़राब है। तो ये पार्ट उपलब्ध नहीं रहे, न मिले तो क्या हम लोग कर सकते हैं। ये ड्राइवर आईसी है, ये आईसी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मॉस्फेट है, इसका फ्यूज भी गया हुआ है, रेजिस्टेंस है, डायोड भी, सारा डायोड ख़त्म है। इसका कॉइल भी थोड़ा जल गया हुआ है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, तो इसको मैंने नहीं बदला। तो मैं आपको, इतना सारा पार्ट तो उपलब्ध नहीं हो सकता, तो मैं इसका मॉड्यूल लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इतना पार्ट के जगह पर मॉड्यूल लगा के मैंने मॉड्यूल लगा दिया, सेटअप कर दिया। ये देखिए दोस्तों, पीला वाला तार मॉस्फेट के बीच में है, हरा वाला तार प्लस 300 वोल्टेज में है, ब्लैक वाला तार ग्राउंड है, माइनस वाला तार जो व्हाइट वाला तार है ऑटो कपलर पर है, और रेड वाला जो वायर है 12 वोल्ट पर जो रहता है, वो ट्रांसफार्मर से निकलता है, एक डायोड लाकर उस पर जो रहता है। तो ये मैंने लगाया था, अभी वो वोल्टेज नहीं बना रहा था दोस्तों। तो ये जीनर डायोड मैंने चेक किया कि शॉर्ट है, देखिए सबको शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। ये मॉड्यूल लगाने के बाद अगर वोल्टेज नहीं बनता होगा तो ऑटो कपलर पर आप चेक कीजिएगा, उसके अगल बगल में कोई ओम्स आएगा तो समझिए ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, इसका डायोड भी, जीनर डायोड भी ख़राब हो सकता है। तो अभी तो आपने देखा कि जीनर डायोड इसका शॉर्ट है, तो मैंने मॉड्यूल तो सेट कर दिया। अब मैं पावर लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये तो मॉड्यूल एलईडी टीवी में लगता है दोस्तों। वोल्टेज चेकिंग कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज चेकिंग तो एकदम ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसका होम थिएटर का ब्लिंकिंग करने लगा रेड बत्ती, अब वोल्टेज भी बनाने लगा। तो मैं देखिए काम करने लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो अच्छा आपको इस चैनल में मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन।